नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉप गुरुज में। मेरा नाम है सुनील यादव। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि हमें किस तरीके से फेसबुक पे एक पेज क्रिएट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आइए चलते मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें किस तरीके से फेसबुक पे अपना पेज क्रिएट करना चाहिए। हम फेसबुक पेज को अपने पर्सनल यूज के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एरो आ रहा है जहाँ पे अभी मेरा माउस है, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आया हुआ है। ये जो ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक करना होगा क्रिएट पेज। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा क्रिएट पेज। तो दोस्तों, आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करते रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरीके से हम अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्रिएट पेज ऑप्शन आ गया, मैंने इस पे अब क्लिक करा। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरे सामने दो ऑप्शन देता है, फेसबुक बिजनेस और ब्रांड, और दूसरा ऑप्शन ये है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि बिजनेस या ब्रांड, अगर मेरा कोई काम है या फिर मेरी कोई ब्रांड है बहुत बड़ी, मेरे को उसका पेज बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गेट स्टार्टेड इस वाले कॉलम पे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो दूसरा कॉलम हमें फेसबुक ने प्रोवाइड करा है वो ये है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो पब्लिक फिगर और इस वाले कॉलम में हमें देखना है कि अगर मेरे को अपनी पर्सनैलिटी, लाइक जैसे कि सलमान खान एक पब्लिक फिगर है, तो हमें इस तरीके का, या फिर कोई मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ तो हमें कोई कम्युनिटी की क्रिएट करनी है, या फिर मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो मैं इसको उसके लिए कोई कम्युनिटी की क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके वो चीज कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी एक पेज क्रिएट कर रहा हूँ, मैं अपने लिए क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पब्लिक फिगर चूज करता हूँ और यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। अगर आपको क्रिएट करना है अपने बिजनेस के लिए या फिर अपनी ब्रांड के लिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने लिए पेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड पे। अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सामने आ गया है कि फेसबुक मेरे से दो चीजें मांग रहा है, यहाँ पे पेज का नाम जो मेरी ब्रांड का नाम है या फिर जो मेरा नाम है, और यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी। तो मेरे को कैटेगरी भी उसके अंदर चूज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम फिल करिए। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम कर रहा हूँ फिल रवि ऑन वेब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब आप टाइप कर देंगे अपना नाम, उसके नीचे कैटेगरी आएगी। तो कैटेगरी आएगी, आप यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, दूसरे वाले कॉलम में हम कैटेगरी फिल करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैं अपनी कैटेगरी फिल कर देता हूँ डिजिटल। डिजिटल मार्केटर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपना पेज बिजनेस या ब्रांड पेज क्रिएट करना है, अपने बिजनेस के लिए अपनी ब्रांड के लिए पेज क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। सेम दोनों ही ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी ब्रांड का नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपने बिजनेस कैटेगरी को चूज करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लिक करके वहां पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपकी जो क्वारी है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने दोनों कॉलम में अपना पेज का नाम और यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे जो नाम है वो आप अपना भी नाम डाल सकते हैं, या फिर आप किसी अपनी अपना नाम चेंज करके या फिर किसी बड़ी पर्सनैलिटी के काम करना चाहते हैं तो आप उनका भी नाम डाल के और पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैं कंटिन्यू का क्लिक बटन दिख रहा है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को फेसबुक दिखा रहा है कि जो मैंने कैटेगरी चूज करी है वो फेसबुक के अंदर नहीं है। ठीक है, तो फेसबुक की गाइडलाइन के अंदर नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपना डिजिटल क्रिएटर कर दे रहा हूँ अपना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपना जैसे डिजिटल क्रिएटर करा तो फेसबुक ने मेरा एड्रेस, फोन नंबर सारी चीजें मांगी है अभी। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये अपना एड्रेस फिल कर दिया। यहाँ पे आप भी अपना एड्रेस फिल कर दें। ये सारी चीजें हमें फिल करनी जरूरी होती है क्योंकि फेसबुक कई बार हमें वेरिफिकेशन सारी चीजें वेरिफिकेशन करवाता है, तो उन सब चीजों के लिए हेल्प होती है हमारी वहां पे, तो इजीली वहां पे सारी चीजें हमारे लिए हेल्प करेंगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे सारी चीजें जेन्युइन चीजें फिल करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फोन नंबर होता है, फोन नंबर आपका ऑप्शनल होता है, अगर आपको फोन नंबर यहाँ पे फिल करना है तो फिल कर दीजिए।
और अगर आपको नहीं फिल करना है तो आप उसको ऐसे भी खाली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है फेसबुक की डोंट शो माई एड्रेस, तो यहाँ पे फेसबुक आपको पूरी लाइन गाइडलाइन देता है कि फेसबुक आपका जो एड्रेस है वो आपके जो सिटी है और टाउन है सिर्फ वही शो करेगा, आपका पूरा एड्रेस शो नहीं करेगा। तो आप इस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं या फिर इसको छोड़ सकते हैं ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं आगे क्रिएट पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे कि आप देखेंगे अभी फेसबुक 1 या 2 सेकंड का टाइम लेता है और उसके बाद फेसबुक आपकी जो पेज है, पेज बनने का प्रोसेस है उसको आधा कंप्लीट हो जाता है ये कह सकते हैं आप। क्योंकि आप यहाँ पे आप देखेंगे आपको अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपनी फोटो चूज कर सकते हैं जहां से भी आपको फोटो अपनी चूज करनी है। ठीक है दोस्तों, या मैं भी इस ऑप्शन को स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी फोटो बाद में यहाँ पे ऐड करूंगा। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी फोटो सारी चीजें ऐड करनी है, फिर यहाँ पे कवर फोटो, जैसे कि हम अपनी प्रोफाइल के पीछे कवर फोटो लगाते हैं सेम प्रोसेस होता है उसी का फॉलो करना, अपलोड टू अपलोड अ कवर फोटो, यहाँ पे क्लिक करके अपनी कवर फोटो हम अपलोड कर सकते हैं। देन यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है, अभी मैं स्किप कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आप अभी देखेंगे जैसे कि मेरा जो पेज था रवि ऑन वेब नाम से, वो मेरा पेज अब फेसबुक पे लाइव हो गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अपना फेसबुक पे पेज क्रिएट करना चाहिए, बिजनेस पेज किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्लिक करके बता सकते हैं अपनी क्वारी, मैं उनको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपने पेज को फेसबुक पे कुछ आसान स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आई होगी वीडियो बहुत पसंद, आपने लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा चैनल ऐसा है जो आपको दे रहा है डिजिटल मार्केटिंग की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वीडियोस, जिससे आप ले सकते हैं बहुत सारी नॉलेज। तो दोस्तों बेल आइकन को दबाइए और सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी आपके मोबाइल फोन पे। थैंक यू।